गूगल क्रोम से तो आप परिचित ही होंगे, इसके बारे में कौन नहीं जानता। यह दुनिया का सबसे बेस्ट पॉपुलर ब्राउज़र है। इसकी पॉपुलरिटी के साथ साथ इसमें बहुत सारे फीचर भी हैं जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अच्छा दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करूँगा कि इसके कौन कौन से खास फीचर हैं जिससे कि आप इसे अच्छी तरह से यूज कर सकें। तो दोस्तों, मैं हीरा सिंह आपका स्वागत करता हूँ टेक्निकल हीरा में, जिसमें से पहला है इनेबल डार्क मोड। डार्क मोड आ जाने से लोग इसे रात में भी बिना परेशानी के यूज कर सकेंगे। इसको इनेबल करने के लिए आपको अपने गूगल क्रोम की सेटिंग में जाना है। यहाँ से आपको थीम्स ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको इनेबल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और इस तरह यह इनेबल हो जाएगा। दूसरा खास फीचर यह है कि आप स्वाइप कर गूगल क्रोम के टैब को बंद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे गूगल क्रोम में कितने सारे टैब ओपन हैं। इसे हम स्विच ऑफ या बंद करने के लिए हम इसे इर्ली स्वाइप द्वारा बंद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह, आप देख सकते हैं कि इस तरह जो टैब है वो बंद हो जाता है। तीसरा है सर्च पेज को डाउनलोड करें। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो पेज एक बार ऑनलाइन आने पर पूरा डाउनलोड हो सकता है। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप एक बार ऑनलाइन हो। इसको इस पेज को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप इस पेज को ऑफलाइन मोड पर भी देख सकते हो। यहाँ से आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पेज ऑफलाइन हो चुका है। आप इसे ऑफलाइन देख सकते हो। और चौथा ट्रिक है कि आप अपने सर्च पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सच सुना कि आप कोई भी पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आप कोई भी पेज ओपन कर लीजिए। जैसे मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आपको इसे शेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है और आप यहाँ से पीडीएफ के रूप में इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर इसे सेव पर क्लिक करना होगा। इस तरह यह डाउनलोड हो जाएगा। और पांचवें ट्रिक की बात करें तो आप कोई भी वेबसाइट या पेज को जूम कर सकते हो। आप कोई भी वेबसाइट को जूम करने के लिए आपको दोनों उंगलियों को इस तरह खींचना होगा। इस तरह यह जूम हो जाएगा। यह आप कोई भी वेबसाइट में कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। यह ट्रिक है कि आप कोई भी सर्च इंजन को जोड़ या हटा सकते हैं। आपको पता होगा कि गूगल एक सर्च इंजन है। अगर आप गूगल के अलावा कोई और सर्च इंजन यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से आपको सर्च इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने मन अनुसार कोई भी सर्च इंजन चुन सकते हो। आपको यहाँ याहू, बिंग, यनडेक्स, डकडकगो जैसे सर्च इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा जिसका कि आप यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए।